प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एसके वर्मा अपने यूट्यूब चैनल के नवीनतम एवं 85वें वीडियो तथा बिहार श्रृंखला के 24वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको भक्ति, विश्वास एवं आस्था के प्रतीक पटना के विख्यात श्री हनुमान मंदिर की धर्म यात्रा पर ले चलूँगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा घंटी को दबाना नहीं भूलें। आपके इस स्नेह से मुझे और ऊर्जा मिलती है और नए वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मिलती है। कृपया कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर ही करें। इस मंदिर की स्थापना 1730 ईस्वी में स्वामी बालानंद ने बांकीपुर क्षेत्र में गांधी मैदान से करीब 1 किलोमीटर दक्षिण में किया। 1861 ईस्वी में मंदिर के बिल्कुल सटे पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन का निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि श्री हनुमान गढ़ी जो अयोध्या में हैं के बाद यह एक एकलौता श्री हनुमान जी का मंदिर है जहां भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। वैसे यहां भीड़ प्रतिदिन रहती है परंतु मंगलवार और शनिवार को यहां भक्तों की भीड़ ज़्यादा होती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के पास लोहे का एक द्वार था जिसे संध्या के बाद बंद कर दिया जाता था ताकि स्टेशन की ओर कोई न जा सके। उस समय रात में ट्रेन नहीं चला करती थी। एबीपी न्यूज़ के अनुसार देश के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी के बाद महावीर मंदिर श्री महावीर मंदिर पटना में सर्वाधिक प्रसादों की बिक्री होती है। यहाँ प्रतिदिन 125,000 किलो नैवेद्यम प्रसाद की बिक्री होती है। मेरे जो मित्र 1987 के पहले पीएमसीएच में थे या पटना गए हों, उन्हें याद होगा कि श्री हनुमान मंदिर पुराने एक मंजिल के एक कमरे में था। 1987 में श्री महावीर मंदिर नए रूप में परिवर्तित हुआ। उसके पहले मंदिर की आमदनी प्रतिदिन 11,000 रुपये थी, आज यह आमदनी 10,00,000 रुपये प्रतिदिन हो चुकी है। मंदिर के नए रूप में परिवर्तित करने में आचार्य श्री किशोर कुणाल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 13 जून 1993 से दलित जाति के एक व्यक्ति सूर्यवंशी दास मंदिर के पुजारी रहे हैं। श्री हनुमान मंदिर एक ट्रस्ट श्री महावीर मंदिर स्थान न्यास समिति के अधीन है जिसके अध्यक्ष आचार्य किशोर कुणाल हैं। यह ट्रस्ट मंदिर के निधि का उपयोग महावीर कैंसर संस्थान और अनुसंधान केंद्र, महावीर वात्सल्य अस्पताल, महावीर आरोग्य अस्पताल तथा अन्य अस्पतालों का संचालन करता है। आचार्य किशोर कुणाल भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी 1972 में बने। 1983 ईस्वी में वे पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सीनियर एसपी बने। उसके बाद ही उन्होंने श्री हनुमान मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य अपने हाथों में लिया। श्री महावीर मंदिर ने अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण में 10 करोड़ रुपए का सहयोग दिया है। यह राशि किसी एक व्यक्ति या एक संस्थान के द्वारा अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए दी जाने वाली राशि सबसे बड़ी है। श्री हनुमान मंदिर की विशेष बात यह है कि मंदिर में श्री हनुमान जी के 2 विग्रह यानी 2 प्रतिमाएं एक साथ हैं। पहली परित्राणाय साधुनाम, जिसका अर्थ है अच्छे व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, और दूसरी विनाशाय च दुष्कृताम, जिसका अर्थ है दुष्ट व्यक्तियों की बुराई दूर करने के लिए। श्री हनुमान मंदिर को श्री महावीर मंदिर भी कहा जाता है। लंबी लाइन में खड़ा रहने के बाद अंततः हम लोग श्री हनुमान जी के पास आ गए।
श्री हनुमान जी के दोनों विग्रहों के दर्शन आप भी कर लें। दर्शन के बाद मैं सेल्फी लेने में व्यस्त हूँ। यह विशाल घंटा है, ऐसा कहा जाता है कि इस घंटे के ठीक नीचे खड़ा होकर इसको बजाने से इसकी ध्वनि तथा कंपन वाइब्रेशन आपको ऊर्जा से भर देगा। मित्रों, श्री हनुमान मंदिर की यात्रा मैं यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन आप मेरे साथ बने रहिए, मुझे फॉलो करते रहिए। अगले वीडियो में मैं आपको पूर्वी भारत का एकमात्र रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ले चलूँगा, जो पटना शहर के सबसे ऊंचे टावर बिस्कुमान भवन पर स्थित है। हमेशा की तरह एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक मेडिकल संदेश, योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।